हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन टेक्नो यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप भी ओप्पो रेनो 7 प्रो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आपका भी फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो हीटिंग प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट स्टेप बाई स्टेप तरीका बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन पर वो कौन सा सेटिंग करेंगे ताकि आपका जो ओप्पो रेनो 7 प्रो फ़ोन है वो हीट ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूंगा तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ओप्पो रेनो 7 प्रो फ़ोन जिसके पास है वो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि दोस्तों मैंने भी इसमें एक्सपीरियंस किया था कि इस फ़ोन पर जब भी मैं कैमरा यूज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप गेमिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। तो इसका दोस्तों समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ज़्यादा कैमरा यूज़ करते हैं तो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीटिंग के कारण कैमरा भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन की आप सेटिंग में जाइएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लिया है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, आप देख सकते हैं। सबसे पहले लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ है, तो सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई एंड ब्लूटूथ शेयरिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो सेटिंग मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है। अगर दोस्तों आपका ये ऑन है और शायद ये आपका फ़ोन में ऑन होगा तो ये दोनों सेटिंग आपको ऑफ कर देना है। ये ऑफ करने से आपका जो लोकेशन है वो बिल्कुल ऑफ नहीं होगा, तब घबराइए नहीं। अगर आप अपने फ़ोन में लोकेशन ऑन रखना चाहते हैं तो आप ऑन रख सकते हैं, सिर्फ ये वाईफाई स्कैनिंग और साथ में ब्लूटूथ शेयरिंग आप यहाँ पे दोनों ऑफ कर सकते हैं। ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, फिर से सेटिंग में जाइए और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप के टाइप कीजिएगा तो कर्नल वर्सन जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं बिल्ड नंबर आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 7-8 बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना फ़ोन का पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप आएंगे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में और एकदम नीचे जाइएगा, यहाँ देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आना होगा। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको मैं चलिए बताता हूँ, इसको आप फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए आपका जो फ़ोन हीटिंग प्रॉब्लम हो रहा था वो नहीं होगा। अभी देख सकते हैं एक ऑप्शन है बैकग्राउंड चेक, और इसके ऊपर में देख सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट होगा तो इसे आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सा काम आपको कर देना है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपके फ़ोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आप एकदम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन को आपको हटा देना है। मान लीजिए आपने कभी इंस्टॉल किया था कोई एप्लीकेशन और उसे आप अभी यूज़ एकदम नहीं करते हैं। जब आप यूज़ करेंगे तब इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन लगता है कि 10 दिन 15 दिन से आप इंस्टॉल करके रखे हैं और उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, कोई काम का नहीं है, कभी आपने यूज़ किया था अभी नहीं कर रहा है, तो उसे आप हटा दीजिए और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करके आप यूज़ कीजिए। यकीन मानिए आपका फ़ोन अगर हीट हो रहा था तो फ़ोन आपका हीट नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप ओप्पो रेनो 7 प्रो फ़ोन हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।